एवरीवन, आज हम बारीपदा का स्पेशल मटन बनाने जा रहे हैं, जिसको हम उड़िया में मटन कशा बोलते हैं। और इसके लिए हमको ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और उसके साथ हमको पहले तो कुकर में तेल गरम करना है, फिर बड़ी इलायची डालना है, फिर छोटी इलायची एक डालना है, दोनों से एक एक डालना है, ठीक है। देन हमको इसके बाद थोड़ा सा इसको चम्मच में हिला देना है। देन इसके बाद हमको क्या करना है, प्याज डाल देना है हमको, कटा प्याज हमको रखा है जो हमने काट के, उसको डाल देना है। देन थोड़ा सा प्याज हमारा लाल हो जाएगा, इसके बाद हमको उसमें जो है हमारा जो मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको डालना है। पहले हम हमारा प्याज को लाल कर लेंगे थोड़ा सा, देन उसके बाद हम हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको डालेंगे, ठीक है। देन ये थोड़ा सा प्याज हमारा और थोड़ा सा लाल होगा, थोड़ा सा लाल हो जाएगा, देन हम हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें डाल देंगे। देख सकते हैं थोड़ा प्याज का कलर चेंज हो के आ रहा है। देन हम हमारा भी अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें हल्दी एक स्पून, रेड चिल्ली पाउडर एक स्पून, और रेड कश्मीरी पाउडर एक स्पून, और आपका जीरा धनिया का पाउडर एक एक स्पून, एंड सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार आपको डालना है। सबको मिक्स करके एक साथ डाल देना है। देन आपको सबको एक साथ जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और आपका जो ये जो पाउडर सब मसाला का है, सबको एक साथ आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, जिससे कि सब अच्छे से भुनी हो जाना चाहिए, तब जाके इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। देन हम हमारा कस्तूरी मेथी जो है वो मोस्ट इंग्रेडिएंट पार्ट है। और इसके बाद हम हमको क्या करना है कि ब्लैक पेपर डालना है, जिसको गोल मिर्ची बोलते हैं हम लोग। ब्लैक पेपर और कस्तूरी मेथी ये दो मस्ट डालना है हमको मटन में, वरना उसका टेस्ट नहीं आता है। और हाँ, बड़ी इलायची ये सबसे पहले हमको डालना है। बड़ी इलायची क्या करता है कि मटन का जो टेस्ट, जो स्मेल जो होता है उसको हटा देता है। तो इसके बाद हम हमारा कस्तूरी मेथी और सब डाल दिया है हमने हमारा। देन अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको कसना है, जब तक कि ये आपका तेल ना छोड़ दे तब तक अच्छे से हमको कसना है। देन ये अब देखिए हमारा जो पोटैटो है ये थोड़ा सा लाल हो के आ गया है, और इसमें हमने लाल करने के लिए थोड़ा सा नमक डाला है, जिससे कि वो जल्दी लाल हो जाता है पोटैटो। तो ये हमारा मसाला ऑलमोस्ट तैयार है, और इसमें हम हमारा ये मटन जो हमने रखा है इसको हम डाल देंगे, ठीक है। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मसाले के साथ में, प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। मेरे मुंह में अभी से देख के पानी आ रहा है, सीरियसली। मटन कसा और मूढ़ी बारीपदे का स्पेशल ये हो जाए तो और क्या चाहिए, बस। और बारिश का भी, जैसे कि मौसम चल रहा है, उसमें मटन कसा और राइस या मूढ़ी के साथ आप इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। देन हम हमारा जो आलू जो है वो रेड ऑलरेडी हो चुका है, देन पक गया, उसको लाल हुआ आलू उसको डाल देंगे इसमें मटन के कस्से में,
कसने के लिए, जिससे कि उसका टेस्ट और भी अच्छे से एनहेंस हो जाएगा। तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमको आलू मटन को इस मसाले में अच्छे से कसना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसको कम से कम हमको 15 मिनट तक कसना है स्लो फ्लेम में। अगर हम इसमें नहीं कसेंगे इसको, तो हमारा जो मटन का टेस्ट जो ऐसा स्मेल आएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा 15-20 मिनट कसने के बाद हमारा जो मटन में पानी दे दिया है और ये मटन रेडी है, जिसको आप राइस या मूढ़ी सबके साथ खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर।